These people were there in India. So, जो छो साल तक ये लोग इंडिया के कोई ना कोई तो पार्ट पे जो राज कर रहे थे लॉन्गेस्टिटी इन दंट्री इसको अगर आप, आप कंपेयर करोगे मुगल से तो फिफ्टीन टवेंटी लेके रफली एटीन फिफ्टी सेवन मतलब हार्डली तीन सौ साढ़े तीन सौ साल अगर आप सल्तनत से कंपेयर करोगे तो ट्वेल्व ओ सिक्स से लेके तीन सौ साढ़े तीन सौ साल इंडो ग्रिक्स तो हमने देखे ही थे कि बहुत कम टाइम के लिए थे एंड कुशानाजर देयर बट का भी टाइम स्पैन है वो रफली टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स का ही है लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द टाइम एंड मेक्स देम द लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द और लॉन्गेस्ट फॉरन डाइनेस्ट रूल ओवर इंडिया तो लेट्स गो एंड सी अबाउट दाइस इन अवर टूडेक् शिकास जो है उनका एक्चुअल नाम था स्का शैसे बना दोस्तों फिर तो स्काइथिय का शक्का बनने का जो लार्जेस्ट क्रेडिट है वो जाता है पतंजलि को कैसे तो पतंजलि का जो बुक हैष्य विच इज नथिंग बट अ कमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी तो ये जो महाभाष्य है पतंजलि का उसमें उसने इन पर्टिकुलर डायनेस्टी को स्काइथियन नहीं तो शिक्का बोल के रखा है एंड इन इंडिया दिस नेम शक्का गॉड फेमस तो शिक्का जो है तो उनका अर्लीस्ट रेफरेंस एज वी हैव सीन सबसे पहले वो हमें मिलता है कि दे स्टार्टेड टू अटैक स्तान तक वाला एरिया तो बोलान पास से नीचे आए बोलान पास में बोलान पास से नीचे आके देटल इंडस बेसिन तो बोलान पास इज क्वेट इम्पोर्टेंट बिकॉज जितने भी मेजर इन्वेजन इंडिया में हुए है वो खैबर पास से हुए थे

क्या होती? वो थोड़े टाइम में पहले तो इनके जो फाइव मेजर ब्रांचेस वो इम्पॉर्टेंट है एक ब्रांच अफगानिस्तान से रूल करता था सेकेंड ब्रांच जो है तक्षशीला से रूल करता थार्ड ब्रांच जो है वो मथुरा से रूल करता था फोर्थ ब्रांच जो है वो, वो वेस्टर्न इंडिया बेसिकली जूनागढ़ या फिर गिरनार वाला जो एरिया है वहां पे इनका रूल था एंड जो फिफ्थ ब्रांच है वो अपर डेक्कन में रूल करता था एंड रफली नासिक वाला जो एरिया है दैट इज प्रेजेंट महाराष्ट्र पे इनका कैपिटल हुआ करता था तो ये जो पांच ब्रांचेस है दोस्तों उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो ब्रांच है दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज द शिक ऑफ द वेस्टर्न इंडिया इनका एक ग्रेट किंग था वेस्टर्न इंडिया का दैट इज शका रुद्रदमन तो शका रुद्र दमन जो है दिस फेलो इज क्वाइट बिग रिस्पॉन्सिबल एंड इसके बारे में इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल इसीलिए इसको बोला जाता है बिकॉज दिस पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन नहीं जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो दो चीज़ों की वजह से फेमस है सबसे पहली वाली जो चीज़ है कि इसमें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की इंफॉर्मेशन रुद्र दमन ने देख के रखी है तो इसने हमें यह बताया है कि जूनागढ़ एरिया में एक लेख हुआ करती थी जिसका नाम था सुदर्शन झील तो रुद्रदमन का कहना था कि दिस लेक वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य लेटर ऑन अशोका ने वो लेक को रिपेयर किया फिर रुद्रदमन ने बताया कि भाई मैंने भी उसको रिपेयर किया है ठीक है एंड देयर आफ्टर उसी इंस्क्रिप्शन के ऊपर नीचे स्कंदगुप्त का भी इंस्क्रिप्शन है गुप्ता रूलर हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम 455 टू 467 एडी मतलब रुद्रदमन के रफले 300 साल बाद रुद्र दमन का जो टाइम पीरियड है वो है हंड्रेड एंड सिक्स से लेके हंड्रेड एंड थर्टी के बीच में तो इन यू कैन क्लियरली सी ये जो सुदर्शन लेख है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम जो है वो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन और रुद्र दमन ने किया है दैट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंस सेकेंड बिगेस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन है कि ये पहला ऐसा मेजर इंस्क्रिप्शन इंडिया में मिला है जो संस्कृत में लिखा गया है इसके पहले वाले जो मेजर इंस्क्रिप्शन इंडिया में जो थे वो प्रकृत में लिखे जाते थे

The in 78 आप तो नया कैलेंडर भी बोल सकते हो और उसने उस कैलेंडर का नाम रखा शका तो बट हिंदू रिलीजन का जो कैलेंडर है दैट इज नाउ कंसिडर्ड एज ए शाह कैलेंडर and ये जो शका कैलेंडर है इसी के यू कैन क्लियरली सी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इसी कैलेंडर के है एंड देर आफ्टर

तो सबसे पहले तो प्रकाश के पहले वाला जो पीरियड था उसमें भी आपको सेंटर दर आफ्टर प्रो स्टेट दर आफ्टर आपको डिस्ट्रिक्ट ये वाले जो यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन वो मिलेंगे बट प्रॉब्लम क्या था कि ये यूनिट के ऊपर राज कौन करेगा रूल कौन करेगा तो सेंटर में तो ऑब्वियसली हमेशा किंग होता था उस टाइम पे सेंटर होता था पाटलिपुत्र एंड दर आफ्टर फिर प्रोविंसेस मतलब स्टेट भी हुआ करते थे तो जो स्टेट का हेड है वो कौन होता था तो हम लोगों को मौर्य टाइम पे उसके पहले भी एंड इवन के युवराज या फिर कुमार okay, जो रॉयल ब्लड है वही बंदा जाके प्रोविंस के ऊपर बैठेगा बट ये सत्रहपी सिस्टम के अंदर प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप स्टार्टेड तो सत्रह सिस्टम इज प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप आपका तो गवर्नर जो होगा वो कौन होगा यू कैन सी दैट इन सोसाइटी जो युवराज है दैट इज रॉयल ब्लड है राजा का बेटा है उसकी पावर कम हो गई एंड मिलिट्री गवर्नर्स की पावर बढ़ी एंड ये पर्टिकुलर सिस्टम को आप बोलोगे सत्रह पे सिस्टम तो में दो टाइप हम लोगों को दिखे हैं एक तो ओके जो बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर हुआ करते होंगे और फिर दूसरे जो होते हैं उसको आप सिर्फ सत्राप ही बोलोगे ओके तो मतलब छोटे मिलिट्री कमांडर जिनके अंदर छोटे एरियाज होते होंगे तो ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है दोस्तों ये इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का काम इन्होंने नहीं, नहीं किया ये इंडो ग्रीक्स ने किया था एंड इंडो ग्रीक्स यूज टू कॉल इट एज ए स्ट्रेटेगोज तो इंडिया में चला नहीं बिकॉज वी हैव सीन कि इंडो ग्रीक का टेरिटरी छोटा था बटकाश का सत्रह पे सिस्टम काफ़ी चला बिकॉज अफगानिस्तान से लेके मथुरा तक सारा एरिया इनके अंडर था एंड दिस सिस्टम वॉज एफिशियंट बिकॉज रॉयल ब्लड या फिर राजा का जो बेटा है वो निकम्मा निकल सकता है बट मिलिट्री कमांडर ने अपना जो पावर वर्थ है वो पहले प्रूव किया है इसीलिए वो मिलिट्री कमांडर है तो ही कुड इफेक्टिवली रूल द टेरेट्री तो दिस एफिशियंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज लेटर ऑन एडॉप्टेड बाई ईच एंड एवरी डायनेस्टी इन आवर कंट्री तो गुप्ता होगा वर्धनाज होंगे इवन साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज है उन्होंने ये वाले सिस्टम करना चालू कर दी और ये वर्ड है ये आज भी ओके इन अवर लैंग्वेज देयर तो जो बड़ा बड़ा रीजनल बंदा होता है तो आप उस, उसको रीजनल सत्र बोल देते हो तो जो सत्री सिस्टम है इट्स अ परमानेंट ओके मार्क ऑन इंडिया पॉलिटी शका रूलर तो दिस डायनेस्टी अल्टीमेटली दोस्तों इसी चीजों के वजह से फेमस है कि इनके वजह से हम लोगों को कैलेंडर मिला दैट इज शा कैलेंडर इनके वजह से हम लोगों को पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की इन्फॉर्मेशन मिली संस्कृत लैंग्वेज के बारे में भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली थैंक्स टू द रुद्र दमन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एंड आफ्टर जो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था सत्रापी ये पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से जो सत्राप वर्ड है वो आज भी आपके वोकेबलरी में है so you can clearly see that despite being an invader indo greeks as well as shakas inki bahut sari cheeze india mein aaj bhi prachalit hai okay chalan mein hai so this will be it guys related to the shaka ruler so dosto okay finally obviously time of promotion is there so i am faculty of history optional guys over here तो अगर आपका UPSC में history optional है और आपको ऐसे ही अच्छे तरीके से UPSC पढ़नी है तो guys आई एम स्टार्टिंग विद द

तो अगर पीपीटी ड्रिवन है तो कम टाइम में ज्यादा पोर्शन कवर होता है और ओनली इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीजें ही आपको पता चलेगी तो जो चीज़ आपको नहीं करनी हम लोग करेंगे भी नहीं बिकॉज ज्यादा पढ़ने में कोई सेंस नहीं होता राइट सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आपको हैंड रिटर्न नोट भी मिलेंगे आपको प्रिंटेड मटेरियल भी मिलेगा एंड आफ्टर यू विल यूसो भी योर पोर्टल तो आपको तीनों चीजें मिलेगी जो प्रिंटेड मटेरियल है दैट विल एक्ट एज अ क्रक्स ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक

तो दोस्तों ऑबियसली अब जीएस है ओके okay? तो जीएस में आपको फाउंडेशन तो करना पड़ेगा अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर फाउंडेशन नहीं होगा तो बेसिक वीक रहेंगे और अगर बेसिक वीक होंगे देन वो नॉलेज आपको कहीं ना कहीं पे तो हैम्पर करेगा जो तो मुझे हैम्पर किया है सो इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जीएस का एक फाउंडेशन कोर्स अगर हम नहीं करते हैं तो वो नॉलेज लैक्यूना एंड गैप इन प्रिपरेशन हमेशा रहते ही है और फिर सेल्फ प्रिपरेशन इज ऑलवेज एन आर्डस और स्ट्रेनस टास्क ए वायर प्रिपेरेशन होता है कोई गाइडेंस के लिए नहीं होता है तो ये सारी चीजों के वजह से अल्टीमेटली यू विल एंड अपूजिंग एटलीस्ट टू तो दो अटेम्प्ट तो समझने में यूपीएससी में जाते ही है वो इसी के वजह से जाते हैं बिकॉज कोई अच्छा जीएस का फाउंडेशन का कोर्स आप नहीं करते डो नॉट फॉल इन टू दैट ट्रैप की सेल्फ प्रिपेरेशन करेंगे एंड फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेंटर हैजू बी देयर अ गाइडर हैजी देयर गुड फैकल्टी हैजू बी देयर एंड दैट फैकल्टी मस्ट टेल यू की आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ करने गए तो गड़बड़ तो होनी ही होनी है कहीं तो।, तो अगर इन सारी चीज़ों के वजह से आपको बचना है तो हमारा जो जी का लाइव फाउंडेशन बैच है ओके दिस लाइफ फाउंडेशन बैच जो है इसका एडमिशन वी आर गोइंग टू क्लोज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर एंड अगर आपको इसके साथ साथ अगर पी का भी प्रिपरेशन करना है देन यू कैन टेक द कॉम्बो बैचेस इज ऑल्सो सिर्फ यू पी एस सी लाइव फाउंडेशन अगर आपको करना है देन वी आर ऑफरिंग इट एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ द सेवनटीन थाउजेंड एंड यू कैन यूज द कोड टू विल द डिस्काउंट और अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो ऑब्वियसली वी आर ऑफरिंग इट एट अ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज सो डिफरेंट पी सी एस के कोर्सेज भी वी आर लॉन्चिंग सो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट कॉम्बो ऑफर अगर आपको ट्वेंटी थाउजेंड में मिल रहा है देन ऑब्वियसली मैं होता तो मैं जरूर लेता बिकॉज मेरे टाइम पे ओके वॉट हेम्पर्ड मी द मूल्स दैट वाई आई कुड नॉट टेक इट फाइनेंशियल कंसिडरेशन यार एक, एक लाख या फिर हमारे टाइम पे तो एक, एक लाख का फाउंडेशन होता था इट वॉज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सम फॉर मी बैग देन